पवन पावन धरण है ये, गार सनिधा पा धम पगा, पवन पावन धरण है ये है गुड़ों की खान मेरा दे। हम सोचते हैं वहाँ पे वीडियो बनाए, लेकिन सब लोग भाग जाते, कोई मेरा वीडियो पकड़ने वाला भी नहीं रहता कि हम शॉर्ट वीडियो बना सकें, कुछ कर सकें। वो तो किसी तरह विदाई कैसे करी, विदाई कैसे करी, दिल में बाड़ू तू ही बात दिल के हम। तो YouTube पे सोच रहे हैं, अब कदम बढ़ा ही लिए हैं, तो सोच रहे हैं बहुत ऊंचाई तक जाएं। लोग तो बोलते हैं, बहुत लोग ताना बोली, अगर मैं ऐसे फोन लेकर अगर खड़ी हो जाऊँ ना, तो पीछे से सब भाग जाती हैं, कहती हैं हमारा भी वीडियो डाल देंगे। बताइए, अपने वीडियो से कोई नहीं वायरल होगा तो कुछ। मेरा देश है महान, है महान, मेरा देश है महान, है महान, नाम है इसका हिंदुस्तान, नाम है इसका हिंदुस्तान, मेरा देश। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल, अभी मैं जनपद गोरखपुर में हूँ, और पीछे का लोकेशन देख के पहचान गए होंगे, हम बताएंगे भी नहीं, आप लोग जान जाइए किस जगह पे हैं। और हमारे साथ देखिए एक ऐसे यूट्यूबर, एक ऐसे बीएड, अर्ध बीएड करके हैं, और इसके बाद एक सिंगर कहिए या फिर एक हाउसवाइफ कहिए, या फिर आप लोग महिला हैं, इनको देख के आप जो भी कुछ समझ सकते हैं। ये YouTube चैनल बनाई हैं और वीडियो बनाती हैं, वीडियो इनका वायरल नहीं होता है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी कला है, गीत भी अच्छी गाती हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोग से भी मिलवा दूँ, और उससे पहले परिचय जानता हूँ। जी स्वागत है, क्या नाम है? जो भी भैया के चैनल को देख रहे हैं उनके माध्यम से सभी लोगों को प्रणाम करते हैं, और मेरा चैनल का अनुपम कुमार ट्विंस बेबी नाम है, सभी लोगों को प्रणाम। जी बताइए कहाँ से हैं? गोरखपुर से हैं। गोरखपुर? हाँ, पिपराइच जो थाना पड़ता है, चूटहा गांव पड़ता है, वहीं से हैं। अच्छा, हाँ। क्या मतलब आप वीडियो बनाती हैं? हाँ, ब्लॉग भी करते हैं और शॉर्ट भी डालते हैं। कितने दिनों से? और ये हो गया 6-7 महीना हो गया। अच्छा, 6-7 महीने। हाँ, इससे पहले कुछ और करती थी? नहीं, कुछ नहीं करते, पढ़ाई करते थे, थोड़ा पैसे की दिक्कत आ गई, इसके वजह से हम छोड़ दिए अपना पढ़ाई भी, और फिर घर में की समस्या थी तो उसी को लेकर चलते थे। तो फिर मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, लेकिन ये मतलब जनवरी से मेरे पास मोबाइल आया तो किनाया, और उसके बाद से मैं थोड़ा बहुत लगी सीखने, यूट्यूब लगी चलाने और देखने लगी, तो उसके बाद से मैं थोड़ा सा सर्च की, तो मेरे भांजे थे तो वहीं चैनल बनाए, तो हमारे बाबू बहन जैसे हमारे बच्चों का ट्विंस का उन लोगों का वीडियो डालते थे, तो 1 महीने उन्हीं लोगों का हम वीडियो डाले, उसके बाद से वो थोड़ा सा नहीं लगे, कह रहे हैं हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा इथी हो जाते थे, तो इसके वजह से सोचे हम ही बना लेते हैं, तो हम बनाते गए तो थोड़ा बहुत भागता गया वीडियो, लेकिन व्यूज उतना नहीं बढ़ता है ना ही तो सब्सक्राइब, 7 महीने हो गया। अच्छा, पहले हमारे दिमाग में आया कि आप बताएं सिंगर भी। हाँ, सिंगर हैं, लेकिन अभी कदम उसमें नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन सोच रहे हैं सिंगिंग करने के लिए। उसके बारे में सब कुछ जानेंगे, लेकिन जब सिंगर हैं तो पहले सिंगिंग एक बार तो होनी चाहिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल होनी चाहिए। तो कौन सा देशभक्ति कर दें? चलिए, आपको पसंद हो। स्टॉप करिए। मेरा देश है महान, मेरा देश है महान, है महान, मेरा देश है महान, है महान, नाम है इसका हिंदुस्तान, नाम है इसका हिंदुस्तान, मेरा देश है महान, है महान, मेरा देश है महान, है महान, बाप है इसका हिमालय और भारत माँ, बहन है गंगा और यमुना बहती है जो यहाँ, बाप है इसका हिमालय और भारत माँ, बहन है गंगा और यमुना बहती है जो यहाँ, पवन पावन धरण है ये, गार सनिधा पा धम पगा, पवन पावन धरण है ये है गुड़ों की खान, मेरा देश है महान, है महान, मेरा देश
महान है महान, दुश्मनों को भी समझता ये रहा है अपना मीत, सत्यता की मार्ग पे होती रही है इसकी जीत, दुश्मनों को भी समझता ये रहा है अपना मीत, सत्यता की मार्ग पे होती रही है इसकी जीत, मिलके आपस में रहे गार सनिधा पा धम पगा, मिलके आपस में रहे इसका यही है विधान, मेरा देश है महान है महान, मेरा देश है महान है महान। अभी साथ में गुनगुनाते हैं क्या? नहीं, हम लोग गाते हैं, हम साथ भी में ही? नहीं साथ में नहीं गाते हम, अलग आज पहली बार इनसे मुलाकात हुआ है। तो इस गाने को तो साथ में आपको साथ देना चाहिए था। नहीं, हम सोचे हैं जब गा रही हैं तो दूसरा गाना हम लोग सुनेंगे। मुझे मतलब इसमें थर्ड पोजीशन पे इसमें सर्टिफिकेट भी मुझे मिल चुका है इस गाने का। हाँ, दिल्ली से मिला है मुझे। ये गीत लिखा किसने? जैसे स्कूल में पढ़ते थे तो सिखाया गया था, तब का हम गाना ये रखे थे। हाँ, तब का विद्यालय के समय का गाना सुनाई, बहुत अच्छा लगा। और विद्यालय में खास रूप से देशभक्ति और सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है, जो कि कुछ उसे सीखने को मिलता है, वही सब जो है उसमें बताया। मतलब फिल्म में सब हिंदी उन्दी सब और भी गाने आते हैं ऐसे। अच्छा, आपका भी परिचय थोड़ा सा जानना चाहेंगे? ये हमारी गाँव की, मेरी मार्केट यहीं पे मुलाकात हुआ इनसे, यहाँ पे मुलाकात हुआ, यहाँ मीटअप। इनको नहीं पहचाने हैं, भैया जो थे ना हमको पढ़ाए थे, जैसे पहले प्राइवेट पढ़ाते थे तो उनको पहचाने हैं, तब उनके माध्यम से इनको हम पहचाने हैं। हाँ, चलिए बहुत अच्छा हुआ। आपका भी चैनल है? हाँ, चैनल है। क्या नाम है चैनल? गिरजा शर्मा। गिरजा शर्मा। और आपके चैनल का? अनुपम कुमार ट्विंस बेबी। अच्छा, तो आप सिंगर बनना चाहती थी और बन गई हैं यूट्यूबर? हाँ। और बीएड जैसे पहले तो मुझे यही था कि मैं टीचर बनूं, कुछ अच्छा मतलब मेरा अंदर सोच था, तो उसके बाद मैं ये भी सोचती थी कहीं टीचर की अगर सिंगिंग करूंगी तो भी अच्छा था, लेकिन नहीं सफलता मिली इसके वजह से। कारण मेरा मतलब उतना पोजिशन अच्छा नहीं था ना इसके वजह से। हाँ, चलिए आप लोग समझ सकते हैं कि गरीबी में लोग किसी तरह शिक्षा पा लें, यही बहुत बड़ी बात है। और शायद इन्होंने शिक्षा भी पाई लेकिन अधूरी, यानी बीएड। हाँ, और मेरे पापा को मतलब हार्ट का वो है, दिक्कत है। और मैं हम लोग चार बहनें हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम कुछ करें अपने पापा के लिए, कुछ करें। हाँ, ये सोचते हैं। यूट्यूब आने का क्या सपना? तो YouTube पे सोच रहे हैं, अब कदम बढ़ाई लिए हैं तो सोच रहे हैं बहुत ऊंचाई तक जाएं। बहुत लोग तो बोलते हैं, बहुत लोग ताना बोली, अगर मैं ऐसे फ़ोन लेकर अगर खड़ी हो जाऊं ना तो पीछे से सब भाग जाती हैं, कहती हैं हमारा भी वीडियो डाल देंगे। बताइए, अपने वीडियो से कोई नहीं वायरल होगा तो दूसरे के वीडियो से वायरल हो जाएगा? कोई नहीं, साथ कोई नहीं देता है, बस नहीं, मेरी सास माँ हैं और मेरी ननद हैं, वही लोग थोड़ा साथ। पति? वो उनसे मतलब है नहीं, मतलब नहीं। बताइए, वीडियो बनाने के लिए कोई भी देता ना तो वो आकर बोलते हैं ना सपोर्ट, यहाँ तक मतलब मम्मी दीदी बोली। हाँ, मम्मी दीदी बोली हैं तो आए हैं, नहीं तो इसमें उनका रुचि नहीं है। देखिए, बहुत लोगों के जैसे बोले मम्मी और दीदी जो बता रही हैं, सास और ननद, उनका सपोर्ट नहीं रहता है, पति का सपोर्ट रहता है बहुत लोगों को, लेकिन इनको सास ननद का सपोर्ट फुल है और शायद इसीलिए वीडियो बना रही हैं। और इतना मतलब आप सौभाग्यशाली हैं कि उनका सपोर्ट रहता है। और इसमें तो ये तो YouTube के बारे में तो यहाँ पे आके बहुत सीखी होंगी, बहुत लोगों से मिली होंगी, क्या कुछ समझ में आया यहाँ पे? बहुत कुछ समझ में आया। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर आकर मीटअप में, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे। चलिए, अब ज़्यादा क्या जाने, अगर अधिक जानकारी लेना है तो इनके चैनल पर जाइएगा, विजिट करिएगा, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन अब हम चाहेंगे कि जैसे ये लोग मिल चुकी हैं यहाँ पे, तो अब दोनों लोग साथ में कोई गाना गुनगुनाइए जो दोनों लोग साथ मिल के गा सकती हैं। साथ में कौन सा? भोजपुरी उतना हम गाते नहीं हैं। कोई भी, जो भी आप लोग को पसंद हो। एक गा दें, थोड़ा सा सैड गाना ही सुना दे रहे हैं। सैड ही सुनाइए, आप भी साथ दे सकती हैं। कौन सा गाना है? आप दोनों लोग बात कर लीजिए पहले। अक्षय कुमार का है, वो हमको दीवाना कर गए उसमें का। काफी राइट है जी, बड़ा फजीता बाजी। नहीं, ये गाइए, तब बताइए। आंखों में नींदे ना दिल में करार। बहुत ही पुरान सॉन्ग ये, पुरान गीतों को जैसे हम लोग गवाते हैं ना सिंगरों से, वो मैच कर जाता है, पूरी की पूरी गीत काफी राइट हो जाती है। अच्छा। हाँ, भोजपुरी में चाहे कोई हो तो वैसा में, या फिर कोई ऐसी आपको पारंपरिक गीत है जो आप लोगों की, वो कुछ दोनों लोग साथ मिलते। चलिए, वो पवन सिंह का वो गा दें क्या, विदाई कैसे करें? दोनों लोग उनको बता दीजिए कौन सा गीत। विदाई कैसे करें, जुदाई कैसे, जान रहे हैं आप भी? जान रहे हैं?
दोनों लोग साथ में गाइए। विदाई कैसे करी, विदाई कैसे करी, दिल में बाड़ू तू ही बात दिल के हम कहीं बात दिल में बाड़ू तू ही बात दिल के हम कहीं निमिया के छाँव में, निमिया के छाँव में नौ दिन रहलू मैया संगे हमर गाँव में, निमिया के छाँव में, निमिया के छाँव में नौ दिन रहलू मैया संगे हमर गाँव में, कहत कैसे रही जुदाई कैसे सही, दिल में बाड़ू तू ही बात दिल के हम कहीं बात। चलिए बहुत ही अच्छा गीत। और देखिए नवरात्र का महीना चल रहा है, नवरात्र चल रहा है इस समय, और बस हमको लग रहा है कि दो चार दिन बाद इस गीत को बहुत सारे जो भी गांव के लोग हैं पंडाल दुर्गा माँ का पूजा कर रहे हैं, देवी माँ का मूर्ति स्थापना के सब लोग विदाई करते समय शायद इस गाने को बजाएंगे। हम मेरे घर मतलब मूर्ति का स्थापना भी किया गया, हम सोचते हैं वहाँ पे वीडियो बनाए लेकिन सब लोग भाग जाते, कोई मेरा वीडियो पकड़ने वाला भी नहीं रहता कि हम शॉर्ट वीडियो बना सकें चाहे कुछ कर सकें, वो तो किसी तरह वो आप अपने से खुद बना लीजिएगा, दूसरे को ले आने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी तो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और इन लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। और देखिए ये दोनों लोग साथ में नहीं अभी टैली खा पा रही थी, कारण कि ये पहली बार मिली हैं और थोड़ा सा रिहर्सल नहीं किया, अगर अभी ये दोनों लोग एक साथ मैं थोड़ा सा समय देता था तो फिर बहुत सुंदर ये लोग प्रस्तुति देती। तो बहुत अच्छा लगा, जैसे मैं जौनपुर से वंदना दुबे और कौन कौन लोग वायरल हो गई हैं उस तरह से ये लोग भी गीत को गा रही हैं। और शायद ये दोनों लोग आज मैं बता रहा हूँ कि अगर जिस तरह से इन लोगों का आवाज़ आ रहा है, जैसे इनकी आवाज़ उस तरह से उनकी आवाज़, अगर ये दोनों लोग साथ में केवल प्रैक्टिस करके एक दूसरे के चैनल पर बढ़िया से अगर गीत प्रस्तुत करें चाहे जो भी भोजपुरी गीत हो, तो पक्का इन लोगों का चैनल जो है उठेगा, लोग पसंद भी करेंगे हमें लग रहा है आने वाले समय में। ना बिल्कुल कह रहे हैं ना, अगले साल तो पक्का एल्बम मेरा भी आएगा, इतना जान लीजिएगा। सच में कह रहे हैं, माता रानी का कृपा हुआ ना तो एल्बम जरूर निकालेंगे माता रानी के नाम पे एकदम। चलिए बहुत सही है, देखिए पहले सपना बनाया जाता है इसके बाद सपना पूरा होता है, अभी ये सपना ठान लिया है कि नहीं मुझे क्या करना है, अब इसके बाद उसके हिसाब से मेहनत करेंगी तो जरूर सफलता मिलेगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।